नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जवानी टेक जासूस में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास है लाइफ का विंड 3 और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि हमें मोबाइल जो है किस तरीके का मिलता है और हमें इसमें और क्या क्या मिलता है। चलिए गुरु करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये जो लाइफ का विंड 3 है आपको ये एक्सक्लूसिवली मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी जो प्राइसिंग आप सबसे पहले देख सकते हैं, बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस लिखा हुआ है। तो प्राइस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 11,599 रुपीज, लेकिन मैंने ये जो है फ्लिपकार्ट से मंगवाया था 6,000 रुपए में। तो मोबाइल का बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का दिखता है और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। और इसको अगर आप रिमूव करें तो इसके अंदर एक और बॉक्स है, ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे एक सील लगी हुई है, इसको हम खोल लेते हैं। तो सील जो है मैंने खोल ली है और ये है हमारा डिवाइस लाइफ विंड 3। तो डिवाइस को हम फिलहाल साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन गार्ड मिलता है फ्री, जो आप अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे शायद यहाँ पे चार्जर है इस तरफ। हाँ दोस्तों, ये चार्जर है इस तरफ और कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चार्जर है। लाइफ ब्रांडिंग का और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कितना है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट है। यहाँ पे 2000 मिली एम्पियर लिखा है, यानी कि 2 एम्पियर का आउटपुट है इस चार्जर का। और इस तरफ आपको शायद चार्जिंग की केबल मिलेगी, यहाँ पे केबल का सिंबल है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे ईयरफोन्स। अच्छी बात है कि हमें इस डिवाइस में जो है ईयरफोन भी मिलती है, क्योंकि आजकल जो है ब्रांड जो है ईयरफोन नहीं देते हैं। और इसके अंदर आपको ये जो है वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पैम्पलेट मिलता है और यहाँ पे आपको क्विक स्टार्ट गाइड एक मिलता है। और उसके साथ में ये है हमारे केबल्स, चार्जिंग केबल्स। और ये आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी पोर्ट है केबल का और केबल की क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो चलिए अब हम इन सबको जो है साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने है ये मोबाइल लाइफ विंड 3, आप देख सकते हैं। और इसमें जो बैटरी है वो फिक्स्ड है इसके अंदर, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। और मोबाइल पकड़ने में हल्की लग रही है, इतनी हैवी नहीं लग रही है मोबाइल पकड़ने में। और मोबाइल पकड़ने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और पीछे का जो ये बैक कवर है ये रबराइज फिनिश है, जिसकी वजह से ग्रिप भी जो है बहुत ही बढ़िया मिल रही है। तो चलिए इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आप यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ पे डेंट दिया गया है, इससे आप खोल सकते हैं मोबाइल को, पीछे का कवर आप खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं एक माइक्रो एसडी कार्ड, यहाँ पे आप डाल सकते हैं 2 सिम। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक माइक्रो एसडी कार्ड भी डाल सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये जो बैटरी है ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और यहाँ पे सामने की तरफ एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अब इस मोबाइल का एक स्पेसिफिकेशन और भी दे देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको मिलेगा 3.5 mm हेडफोन जैक, माइक्रो एसबी पोर्ट जो आप चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। राइट की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम बटन, पावर बटन और ये जो है डेंट ओपन करने के लिए बैक कवर को। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन। लेफ्ट की तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, एलईडी फ्लैश, लाइफ ब्रांडिंग और यह है स्पीकर्स। और सामने की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे ईयर पीस, कुछ सेंसर्स यहाँ पे, यह है आपका 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और नीचे की तरफ आपको मिलते हैं 3 टच टाइप कैपेसिटिव बटन जो की बैकलिट है। तो चलिए अब मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं। तो मोबाइल जब तक ऑन हो रहा है मैं आपको एक इसका एक स्पेसिफिकेशन और दे देता हूं। तो दोस्तों, इस डिवाइस में मिलती है आपको 5.5 इंच की HD डिस्प्ले।
उसके साथ आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसकी जो बैटरी है वो है 2920 mAh की और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 410 का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है। इसका जो रैम है वो है 2GB, इंटरनल स्टोरेज आपको 16GB की मिलती है। आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 32GB तक का और इसमें आपको एड्रीनो 306 का GPU मिलेगा और ये डिवाइस में आपको 4G मिल जाएगा, साथ में VoLTE भी मिल जाएगा, तो आप जियो सिम जो है इस डिवाइस में आसानी से चला सकते हैं। और ये डिवाइस आता है एंड्रॉइड वर्जन 5.1.1 लॉलीपॉप के साथ, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना वर्जन है, एटलीस्ट इनको मार्शमेलो तो देना ही चाहिए था। तो डिवाइस जो है ऑन हो चुका है, चलिए मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस जो है सेटअप हो चुका है और इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत ही ज्यादा है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो इसको ब्राइटनेस जो है मैंने कम कर लिया है, तो आप देख सकते हैं डिवाइस ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो है इसका जो लुक एंड फील है, UI जो है इसका स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही लग रहा है। हालांकि इसमें एंड्रॉइड लॉलीपॉप है जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। एटलीस्ट हमको जो है इसमें मार्शमेलो तो मिलना ही चाहिए था, नोगट तो देंगे नहीं, एटलीस्ट मार्शमेलो तो दे देते। तो इसका UI जो है स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही है। यहाँ पे आपको कुछ जियो के एप्स जो है प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो के कुछ एप्स यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉप वॉच जैसे जो है एप्स भी जो है मिलते हैं, माई जियो का ऐप मिलता है। तो चलिए अब हम सेटिंग्स में चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉइड वर्जन। देखिए एंड्रॉइड वर्जन जो है आपको 5.1.1 लॉलीपॉप मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं इसी चीज से जो है डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मार्शमेलो तो होना ही चाहिए था। तो अब मैं आपको स्टोरेज दिखा देता हूँ, तो आप स्टोरेज देख सकते हैं 16GB है टोटल, उसमें से आपको 11.25GB जो है अवेलेबल मिल जाएगा, यानी कि यूजर को 11.25GB मिल जाएगा जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आप SD कार्ड भी जो है लगा सकते हैं। तो चलिए हम जो है अब रैम देख लेते हैं कितना फ्री मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप देख सकते हैं 2GB में से 1.3GB जो है आपको फ्री मिल जाता है रैम। और यहाँ पे आपको सेंसर कैलिब्रेशन बोल के एक ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जो है ग्रेविटी सेंसर को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। और बाकी UI जो है आप देख सकते हैं लगभग जो है आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसे ही है। और यहाँ पे आपको बटन्स बोल के एक ऑप्शन मिलता है, जहां पे जाके आप जो है इन बटन्स के जो फंक्शंस हैं उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके बटन्स जो है क्या काम करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने से, डबल टैप करने से। और यहाँ पे आप जो है स्टेटस बार में जाके यहाँ पे 100 बैटरी परसेंटेज करके आप अपने बैटरी परसेंटेज को अनेबल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके मोबाइल में जो है कितनी बैटरी जो है बची हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस का जो है ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस सेंसर इस डिवाइस में मिलता है जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको जो है ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मिलता है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक नीचे और एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर इफेक्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी ब्लर नहीं है। अगर आप ये ब्लर में इफेक्ट जाके लॉक स्क्रीन में अनेबल करेंगे तो आपको जो है बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आपका जो ऐप रिसेंटली ओपन है वो ही दिखेगा यहाँ पे ब्लर होके आईफोन के जैसे। तो चलिए अब हम जो है इसका कैमरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको टच टू फोकस जो है मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, तो आपको टैप टू फोकस जो है मिलता है इस डिवाइस में। चलिए हम जो है एक दो फोटोज क्लिक करके देख लेते हैं। तो अगर आप एक बार टैप करके जो है फोकस कर ले तो फोटो जो है फटाफट क्लिक करता है, नहीं तो ये एक बार फोकस करता है और फोकस करने के बाद आप क्लिक करते ही ये आपका फोटो जो है क्लिक कर लेगा। तो इसका कैमरा का UI भी जो है बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फोटोज जो निकाले वहां पे जा सकते हैं। यहाँ से आप अपना वीडियो मोड, पैनोरामा मोड सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मोड्स भी दिए गए हैं और HDR भी आपका दिया गया है। यहाँ से आप अपना फ्रंट कैमरा में जा सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो इस डिवाइस के कैमरा के बारे में जो है हम आपको अभी कुछ इतना अच्छे से नहीं बता सकते हैं। तो इसके कैमरा के ऊपर जो है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसका कैमरा रिव्यू करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका कैमरा का परफॉर्मेंस जो है कैसा है।
और इसकी जो बैटरी है वो है 2920 mAh की, तो इसकी बैटरी लाइफ भी जो है एक देखने की चीज होगी। तो हम इसकी बैटरी लाइफ भी जो है देखेंगे कि कैसी बैटरी लाइफ मिलती है हमें इस डिवाइस में। तो बस दोस्तों, इस अनबॉक्सिंग के वीडियो के लिए इतना ही। इस डिवाइस के ऊपर हम और भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस डिवाइस के ऊपर कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर पाए, और साथ में उस बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज दोस्तों लाइक दबाइए और प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि ये लाइफ विंड 3 जो है कैसा डिवाइस है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज आप फ्रीली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अगर आपको कोई डाउट भी है तो वो भी आप नीचे फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं आपको 100% उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।